नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज बजट पेश होना है। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज जो है बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार जो बजट था उससे ज़्यादा बजट इस बार जो है वो पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में बिहार जिस तरीके से पीछे गया है उसको लेकर, उसको देखते हुए इस बार जो है वो बजट ज़्यादा पेश किया जाएगा। 2.40 करोड़ जो है वो बजट होगा इस बार। और जिस तरीके से बजट की हम बात कर रहे हैं तो इसको लेकर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि अगर बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर अगर बजट नहीं आता है, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर अगर बजट में बात नहीं होगी, उसके बाद जो है वो सदन में काफ़ी इस पर वाद विवाद भी होगा। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारों की बात करें तो बेरोजगारी को लेकर लगातार जिस तरीके से युवा परेशान है, सड़कों पर है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरेगी विपक्ष। जब विपक्ष के जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता जब भाई वीरेंद्र हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या जिस तरीके से बजट आ रहा है तो इस बजट पर उन्होंने कहा कि बजट पेश हो जाए, उसके बाद हम जो बेरोजगार है अगर उनके ऊपर चर्चा नहीं होती है तो हम सदन में इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। सुनवाते हैं आपको भाई वीरेंद्र का वो बयान। बजट का आकार कैसा होता है, जनता के हित में कौन सा बजट है, बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में कौन सा बजट है, महंगाई पर क्या इनका फोकस है, ये सब आने के बाद ही कुछ बजट पर बोलना हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कोई सलाह देंगे तो सरकार हमारी सलाह मानेगी नहीं, लेकिन जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद आती है तब हम उस पर प्रतिक्रिया देने का काम। किस चीज पर ज्यादा फोकस होना चाहिए सर इस बजट में? बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में फोकस होना चाहिए। किसानों के जो अधिप्राप्ति का मामला है वो अधिप्राप्ति ढंग से नहीं हो पा रहा है, जैसे तैसे हो रहा है। जो सरकार ने तय की है धान की कीमत, वो धान की कीमत नहीं दे पा रही है सरकार, और बिचौलियों से बेचना पड़ रहा है किसानों को बेबस होकर। इसलिए इस पर फोकस, बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के मामले पर फोकस होना चाहिए। अगर इस पर सरकार फोकस नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से सरकार तो पिछले चुनाव में अपना कहा घोषणा की थी कि 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन क्या एक साल से सवा साल हो गए, 1.5 साल होने जा रहे हैं और अभी तक एक भी रोजगार नहीं मिल पाया है। तो बेरोजगारों का अगर रोजगार का सृजन नहीं करती है सरकार, नहीं देती है, तो निश्चित रूप से जोरदार ढंग से विपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग करने का काम करें।